गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज कल जो पैटर्न दिए थे उसमें एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये मैं बता देता हूँ, फिर आप उससे मैच कर लेंगे, ठीक है। कल एक बॉक्स का क्वेश्चन दिया था और मैंने समझाया भी था आपको, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, ये जो बॉक्स है ये इन दोनों से मिलके बना है। ये बॉक्स मिला है 4 और इस बॉक्स से मिलकर 17 वाला बॉक्स बना है 9, और इस बॉक्स से मिलकर ये 4 वाला बॉक्स बना है 1 और 3 से। ये एम्प्टी बॉक्स ये बना है 3 और 5 से, और ये 9 बना है 5 और 4 से। तो इनमें कुछ तो हमें दिए हुए होते हैं, उनको देख के, उनको समझ के फिर आगे के जो फिल करने होते हैं वो हम देखते हैं। ये जो बॉक्स बना है ये बना है इन दोनों से मिलके, तो 1 और 3 को हम क्या करें कि 4 हो जाए। हम 1 और 3 को ऐड करने पे ही 4 होते हैं। 5 और 4 को क्या करें कि 9 हो जाए, तो 5 और 4 प्लस करेंगे तो 9। अब इसको भी हमें क्या करना है, प्लस 3 और 5 क्या हो गए, 8। तो यहाँ पर क्या भरोगे, 8। अब देख लीजिए, एक तो दिया हुआ है आपको 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 क्या हो गए, 17। अब आपको क्या करना है, 4 प्लस 8 कितने हो गए, 12 क्या हो गए, 12। अब एक और बच गया, फिर भी आपका 12 प्लस 17, 12 प्लस 17 क्या हो जाएगा, 29। ये तो था आपका कल के सॉल्यूशन। आप समझ लेंगे कहाँ गलती की है या सारे सही किए होंगे आपने। अपना अगला टॉपिक आज ले रहे हैं फ्रैक्शन। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी है आपको, पहले मैंने बताया था फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, ये मैंने आपको बता दिया था। किसी भी भाग है, किसी भी पूरे भाग का टुकड़ा या उसका कितना भाग है। 4/8 इसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। लिखते कैसे हैं इसको, आपकी 5th क्लास बुक के अकॉर्डिंग 4/8, और ऐसे भी इसको लिखा जाता है 4/8। 4/8 नीचे वाले के साथ ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं। 4 जो है ऊपर वाले को हम न्यूमिरेटर पढ़ते हैं और नीचे वाले को डेनोमिनेटर पढ़ते हैं। ये चीज़ तो हो गई हमने जो पढ़ा और वो उसके बारे में। आज हम बात करते हैं इक्विलियंट फ्रैक्शंस, समतुल्य भिन्न। इक्विलियंट, इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल का मतलब क्या होता है, उसके बराबर। तो जैसे मैं कहूँ कि 5 के इक्वल कौन है, 5। तो इसी प्रकार इनके इक्विलियंट कैसे बनाते हैं तो ध्यान देंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको रिपीट करके सुन लेंगे या ध्यान देंगे। बिल्कुल, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विलियंट बनाने के लिए उस फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से, किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विलेंट बनाते हैं। जैसे इसके इक्विलेंट बनाने हमें तो सेम नंबर से करना पड़ेगा। जैसे 2/5 का पहला इक्विलेंट आपने बनाना है, तो आप जैसे कर रहे हैं, टू टू जा फोर, क्या कर रहे हैं, टू टू जा फोर, देखिए अब इसको किससे कर रहे हो आप, किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इसको इक्विलेंट बना रहे हो, ठीक है। अब कैसे बना रहे हैं, देखिए मैंने कहा कि न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 को 2 से किया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो इसका इक्विलियंट क्या आ गया, 4/10। इससे आगे भी आप बना सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हो, 2 को किया 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, ठीक है। ये इसी प्रकार से आगे और भी बना सकते हैं आप, 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से 6 से 7 से ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे।